हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहता हूँ, तो आप अगर नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखेंगे तो आपको सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी और सही नॉलेज मिलेगा जरूर। और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे और अगर आप लाइक कर रहे हो तो आप इसको लाइक खुद से भी करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब काफी लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी को यह बेनिफिट मिल सके। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ओके, मुझे गाना इतना अच्छा याद नहीं है, गाना ऐसा ही है लगभग जस्ट कुछ। तो भेल एक स्टॉक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुझे स्टॉक मिला है काफी दिनों से, मैं इसको ट्रैक में रखा था बट अभी इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो प्रॉपर एनालिसिस और फंडामेंटल्स एंड देन उसके बाद कहाँ पे एंट्री, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन होगा और किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है, तो आप इसको जो है कि सिर्फ नॉलेज के लिए यूज करना, मतलब आपका नॉलेज बढ़ाना। अगर आप इसमें अपनी एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा, खुद का भी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करिएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए वर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे बाई करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो मैं एनालिसिस जो समझा रहा हूँ उसमें कहाँ पे बाई किया जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप यह है कि अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट पे जाओ और ये पता करो कि कंपनी का कामकाज क्या है, इसका बिजनेस क्या है। तो उसके लिए सिंपली गूगल बाबा के पास जाओ और उनसे पूछो भेल.com। भेल, ये देखो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। अब इसकी वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो सबसे पहली बात तो तिरंगा, तो जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ओके, ये बेसिकली गवर्नमेंट की कंपनी है, आपको ये पता चलेगा। उसके बाद आप इसके बिजनेस में अगर जाओगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अस, हमारे बारे में, इसके बारे में, तो आप कंपनी के बारे में पढ़ा करो हमेशा। ओके, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका कामकाज क्या है, वो कैसे सेक्टर में काम करती है, तो आपको पता चलेगा। तो ये एक्चुअली हैवी इलेक्ट्रिकल बिजनेस है इनका, ओके, और ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। तो ये हमने फंडामेंटल देख लिया, मतलब एक कंपनी के बारे में देख लिया। उसके बाद फंडामेंटल देखना चाहिए, तो फंडामेंटल कहाँ पे देखेंगे, फंडामेंटल्स के लिए स्क्रीन रोटीन की वेबसाइट है, उसमें जा करके टाइप करिए BHEL और आ जाए तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब उसमें देखिए कुछ रेशियोस यहाँ पे दिए हैं, तो ओवरऑल जो रेशियो होते हैं वो आपको कंपेयर करने के काम आते हैं। मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी ईयरली बेसिस पे, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कभी 48,000 करोड़ का हुआ करता था सेल्स, सेल्स यानी कि बेसिकली उनके प्रोडक्ट्स कितने सेल हो रहे हैं, देन उसके बाद वो कम हो रहे थे, ओके, और 17,000 करोड़ तक नीचे गए थे, देन उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है कंपनी रिवाइवल में है, और इसीलिए आप देख सकते हो कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो आपके फंडामेंटल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, प्राइस भी आपके फंडामेंटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़े, दूसरा देखें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कभी अच्छा खासा हुआ करता था 2012 से, देन उसके बाद ये लॉस में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, और 828 से, और अभी भी देखें तो कम है, ये नेगेटिव फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये एक चीज नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बताऊंगा, डिपेंड आप पे करता है कि आप ट्रेड करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो ये एक अच्छा फैक्टर था जो कि इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर है कि एबिटा जो है नहीं बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि सेल्स बढ़ रही है तो अगर ये लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल में कर लेंगे तो एबिटा भी बढ़ जाएगा अपने आप। देन उसके बाद आपको देखना चाहिए पैट, तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात होती है, और अभी भी बढ़ के ही आया हुआ है। तो 2023 के क्वार्टर में आपका 445 करोड़ से 477 करोड़ का है, मतलब कि आपका पैट बढ़ा है। ओके, तो ये एक आपका जस्ट ये देखो कि भाई कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, ये सब मोटा मोटी होता है। और इन डिटेल में अगर आपको समझना हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। सिंपली आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए, इसमें पूरा डिटेल मैंने दे रखा है अपने क्लासेस के बारे में, तो आप ये वीडियो देखिए, सही लगे तो आप ज्वाइन करिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं चार्ट पे। तो देखो बेसिकली ये टेक्निकली बेसिस पे बुलिश है, फंडामेंटल उतना अभी भी स्ट्रांग है नहीं, तो हम टेक्निकल बेसिस पे इसको ट्रेड करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस और टारगेट होगा तो टारगेट। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप ये कंपेयर करो कि ये जो स्टॉक है
इंडेक्स यानी कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके मुकाबले में बुलिश है कि बेयरिश, तो वो कैसे करेंगे? सिंपली ये मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है, तो मैं निफ्टी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं निफ्टी को सेट कर दूंगा। तो निफ्टी को अगर मैं देखूं तो अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखो अभी देखो पहले ऊपर है, तो यहां से मैं देख रहा हूं, यहां से अगर देख रहा हूं तो ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, कहां से? लगभग आपका पूरा पूरा। लेकिन अगर मैं नजदीक से देखूं तो इसको एक काम करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं आपको। तो चलो डेली टाइम फ्रेम पे देख लो। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी का चार्ट नीचे है और इसका चार्ट ऊपर है, इसका मतलब ये जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। तो ये पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको चेक करना चाहिए। ओके, चलो अब इसको निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी इसकी जरूरत नहीं है, फिर मैं काम करता हूँ रहने देता हूँ। चलो तो ये तो हमें पहले पता चल गया भैया इसका बुलिश है निफ्टी के मुकाबले। दूसरा ये कि आप इसके स्ट्रक्चर को समझो। तो मैं अगर आपको इसका चार्ट पैटर्न समझाना चाहूँ तो चार्ट पैटर्न में देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है। तो सबसे पहले आप चार्ट के पैटर्न को समझो। जो चार्ट का पैटर्न यहाँ पे बन के आ रहा है वो हाई बना, लो बना, हाई लो, हाई लो, हाई इसके बाद लो। यहाँ पे इसने बेस फॉर्मेशन किया है, बेस फॉर्मेशन के बाद फिर से इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, एंड देन ऊपर नीचे फिर फ्लैग एंड पोल बना करके ऊपर, और फिर यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आई थी, देन उसके बाद यहाँ पे साइडवेज होकर के फिर से अब ये ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड का है। तो वीकली में इसका जो ट्रेंड है वो अप है, ये पहला कन्फर्मेशन भैया, इसका वीकली जो ट्रेंड है वो अप है। ओके, और अब डेली पे आते हैं। डेली पे अगर मैं आऊँ तो सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली सेल हो रहा था और यहाँ पे एक बॉटम बनाया, देन उसके बाद यहाँ पे बॉटम बनाया, ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। स्टॉक ऊपर गया लेकिन डबल बॉटम के कन्फर्मेशन के बाद स्टॉक और ऊपर जाना था बट वो गया नहीं, नीचे आ गया और फिर इसी एरिया में साइडवेज हो गया, और इसी एरिया में अभी ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहली बात तो डबल बॉटम का नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे देखिए नेकलाइन इसको बोलते हैं, ये नेकलाइन होती है जो ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, ये इंक्लाइन होती है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है और उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको गिरना होता तो ये गिर जाता, लेकिन नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रांग है। ओके, अब उसके बाद तीसरा जो कन्फर्मेशन होता है वो वॉल्यूम का होता है। तो वॉल्यूम देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, फिर यहाँ पे भी आपकी वॉल्यूम लगभग ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही है, यहाँ से भी वॉल्यूम बढ़ी है, तो एवरेज भी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो ये वॉल्यूम भी आपकी यहाँ पे अच्छी खासी है और ऑन एवरेज से ठीक ठाक है। तो ये तीन चार कंफर्मेशन होते हैं जो आपको देखने चाहिए। फिर उसके बाद अब रही बात एंट्री एग्जिट के कंफर्मेशन की। पहली बात तो कंफर्म कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे एक ये पूरा आपका साइडवेज था। ओके, यहाँ पे भी देखो तो ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बना, आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम हाई है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और इसका वॉल्यूम हाई है, और यहाँ पे इसने पिछली सभी कैंडल्स को खा लिया है, बुलिश इंगल्फिंग जिसका नाम है। ओके, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे जो बुल्स हैं वो स्ट्राइक बैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने का प्लान करना चाहिए। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो इस सेटअप पे जब भी आपको ऐसा कोई सेटअप मिले तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। पहली बात तो कन्फर्मेशन का वेट करो, उसके बाद आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए उसी कैंडल का लो, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 77 का। तो 77 का आपका स्टॉप लॉस होगा ये आपका यहाँ पे। ओके, और टारगेट आपका कितना होना चाहिए, तो टारगेट भी आपका लगभग डबल होना चाहिए। तो 77 के स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट ले सकते हो, या फिर अगर आपको ना समझ में आया तो ये देखिए पहला टारगेट आपका जो है वो है आपका 90 का। तो 77 के स्टॉप लॉस के साथ आप जो टारगेट लोगे वो 91 का लोगे पहला टारगेट। उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं और बताता हूँ, थोड़ा सा इसको आप होल्ड करोगे तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो अगला टारगेट मिलने की आपको पॉसिबिलिटी है ये। इसका हाई हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसका हाई जो है वो है 107, तो 105 का। और उसके बाद अगर अगला देखेंगे तो 105 के बाद आपका अगला जो टारगेट होगा वो 120 का होगा। सो 90, 105 और 120 इन टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर यहाँ पे ये प्रॉपर एक रेंज का ब्रेकआउट होगा तो वो और ज्यादा बुलिश हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली चाहो तो होल्ड कर सकते हो, राइड कर सकते हो अच्छे से। और राइड करना नहीं आता तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो बना के दिया हुआ है, उसमें दो तीन तरीके मैंने सिखाए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं। यहाँ पे वीडियो कहाँ पे होगा वो देखना पड़ेगा, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च करिएगा
ओके, यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आ जाएगा। तो वहां पे मैंने आपको समझाया कि कैसे आप लंबा आप टारगेट ले सकते हो। तो आपको 120 तक का टारगेट मिल जाएगा और भी उसके ऊपर मिल सकता है, बिकॉज ये एक अच्छे खासे रेंज को तोड़ करके ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपको काफी लंबा एक से दो तीन सालों तक बुलिश होने का चांस है, तो आप इसको राइड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एंट्री थी, इसको लंबा होल्ड कर सकते हो, इसको इजी इतने जल्दी बेचना मत, बेचना तभी जब स्टॉप लॉस हो जाए, अदरवाइज इसको होल्ड करना काफी अच्छा, इसमें टारगेट मिलने के चांस है। 120 तक तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये चलेगा, अगर मार्केट हमारा साथ सपोर्ट कर देगा तो ये चला जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो एक बार वहां पे एग्जिट हो जाया करो, फिर से उसमें एंट्री मिले तो फिर से एंट्री किया करो, बट एक बार एग्जिट होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो पता नहीं कितना नीचे जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं होती, और आप लोग स्टॉक को लेकर के बैठ जाते हो तो वो आपके गले की हड्डी बनके बैठा रहता है। और लॉन्ग करने के लिए तो आप जितना चाहो उतना टारगेट को बढ़ा दो, आप सिंपली क्या करो, सपोर्ट्स को स्टॉप मानते जाओ, मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में समझाया हुआ, आप उसको देखिए। सो ये एनालिसिस है, टेक्निकल बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ज्यादा बुलिश है, बुलिश होने का प्रयास कर रहा है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मल्टीपल सेटअप्स हैं, कंफर्मेशंस हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि ये स्टॉक अब बुलिश होने वाला है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज, ऐसे स्टॉक्स में एक अलग से आपको रिस्क ये रहता है, गवर्नमेंट का रिस्क यानी पॉलिसी रिस्क, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दो। ये जो है ना गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी में पॉलिसी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है वो, एक्चुअली गवर्नमेंट जो होती है प्रॉफिट के लिए नहीं बिजनेस करती, वो लोगों को रोजगार देने के लिए और एक तरीके से एंटरप्राइज करती है इसके लिए, ताकि कुछ वेलफेयर हो सके। और ऐसी कंपनियों में पॉलिसीज के चेंज होने का इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो पता चला गवर्नमेंट ने कोई रूल ला दिया जो कि उसके लिए नेगेटिव है, तो हो सकता है ये गिर जाए, तो आप वहां पे भी रूल्स को वॉच करिए, अपने जो भी अपडेट्स हैं उसको देखते रहिएगा टाइम टाइम पे, और अगर ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज आए तो एक बार एग्जिट भी हो जाइएगा, क्योंकि एग्जिट होना सही होता है। ओके, ये चीज याद रखिए। सो अभी के लिए इतना ही, अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।